अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि फर्स्ट टाइम अननोन लड़की से चैट कैसे करें जिसका नंबर आपने अपने फ्रेंड से लिया है। तो ये जो लड़की है इसका नंबर मैंने कल रात को ही अपने फ्रेंड से लिया था। उसके बाद मैंने उनको फर्स्ट मैसेज ये भेजा कि आप बार्गेनिंग बहुत अच्छी कर लेते हो, लगता है पल्टन बाजार काफी घूमे हो। फिर वो बोलती है, पल्टन बाजार कौन नहीं जाता, बट हु आर यू। अब यहाँ पर अगर मैं अपना नाम बता दूंगा तो या तो ये सीन करके छोड़ देगी या ब्लॉक कर देगी, इसलिए मैंने उन्हें बोला स्पाइडरमैन। तो उसका मैसेज आया, अच्छा कौन से स्पाइडर ने काटा था आपको। फिर मैंने बोला, काटने के बाद विजिटिंग कार्ड तो नहीं दिया था उसने, हाँ हाँ। फिर मैंने बोला, वैसे भी उसको डेट पड़ जाना था। किसको, स्पाइडर को? अच्छा आप स्पाइडर से बातें करते हो क्या? हाँ जी, तभी तो कहा था आई एम स्पाइडरमैन। नाइस जोक। हाँ मैं जोक्स के लिए फेमस हूँ। जोकर हो क्या? अगर लव करने के लिए बोलता तो लवर बोलते। अच्छा और कोई जोक बताओ। उससे पहले आप एक सवाल का जवाब दो, आप फिल्टर कौन सा यूज करते हो? एक्वागार्ड वाले हो क्या आप? अरे डीपी में कौन सा फिल्टर यूज करती हो? क्यों? फिल्टर मस्त है इसलिए पिक अच्छी आई है। वो बोलती है, थैंक्स बट मैं कोई फिल्टर यूज नहीं करती हूँ। वैसे आप ब्रेकफास्ट में डफ खाते हो क्या? ब्रेकफास्ट में डफ कौन खाता है यार, मैं खाता हूँ, तभी तो इतना क्यूट हूँ। खुद की तारीफ खुद। आपकी करूँगा तो आप बोलोगे लाइन मार रहा है, स्मार्ट हो। फालतू की बातों की कोई बुक है क्या आपके पास? नहीं, ऐप इंस्टॉल किया है माइंड में। हाँ मेरा नंबर कहाँ से मिला? अब फिर उसने ये क्वेश्चन पूछ लिया, अब मैं इसका क्या जवाब दूँ? तो मैंने उससे कहा, आप ही ने दिया था। मैंने कब दिया था? 6 महीने पहले। अच्छा तो अब क्यों याद आई है? वेटिंग लिस्ट लंबी थी ना, इसीलिए। कितना फेंकते हो? जितना आप कैच करते हो। तो वो बोलती है, आप बहुत तेज लग रहे हो मुझे, स्पाइडरमैन हूँ, तेज तो होऊंगा ही। फिर उसका रिप्लाई आता है, पिछले जन्म में वीरबल थे क्या? यार ये इतने इंटेलिजेंट क्वेश्चन पूछ रही है, मैं खुद कंफ्यूज हो गया हूँ। आपको कैसे पता? सारी बातों के जवाब हैं आपके पास। थैंक्स तारीफ के लिए। आप पिछले जन्म में ब्यूटीफुल थी क्या? वो तो मैं इस जन्म में भी हूँ। अपनी तारीफ खुद। आपकी करूँगी तो आप बोलोगे लाइन मार रही है। यार ये रिप्लाई सुनने के बाद ना मुझे लग गया, ये लड़की बहुत तेज है, क्योंकि मैंने जो डायलॉग मारे थे उसके ऊपर उसने मुझे भी छाप दिए। स्मार्ट हाँ, बट आप चाहो तो लाइन क्या, सर्कल, रेक्टेंगल, ट्रायंगल, कुछ भी मार सकते हो। वैसे सुना है कि आप पहले चाइना में रहते थे। वो बोलती है, कहाँ से सुना आपने? आपकी आंखों से। आंखों की भी बातें समझते हो? हाँ छोटी छोटी आंखें चाइना की ही हैं। हाँ इंसल्ट, दोस्ती में इंसल्ट ना करो तो मजा नहीं आता। मैं आपकी दोस्त कब से हो गई? तो अब मुझे यहाँ पे कुछ समझ नहीं आया कि क्या बोलूं, तो मैंने यहाँ पे गाना गा दिया, जब से तेरे नैना मेरे नैनों से लागे रे। इसका आया हा हा हा। अब फिर मुझे समझ नहीं आया कि अब मैं क्या बोलूं, तो मैंने बोला आप मैच देखते हो? तो उसका रिप्लाई आया हाँ, तो फिर आ जाओ मेरी गली में मैच चल रहा है। अच्छा मेरी चांस आने वाली है। तो उसने कहा, क्रिकेट खेलना आता भी है आपको? क्रिकेट कौन खेल रहा है, मैं तो लूडो की बात कर रहा हूँ। तो उसका रिप्लाई आया, बातें कहाँ से लाते हो ऐसी। तो मैंने कहा, वो किडनी से सोचता हूँ मैं। तो वो कहती है, थोड़ा दिल से भी सोचा करो। यार ये दिल वाला इमोजी ना भेजा करो, सेंसिटिव लौंडा हूँ, प्यार हो जाता है। तो अब उसका रिप्लाई आया, कितनी बातें करते हो, गर्लफ्रेंड तो होगी ही। तो मैंने कहा, नन्ना मुन्ना राही हूँ, देश का सिपाही हूँ, गर्लफ्रेंड नहीं बनाता मैं। ये जोक सुनने के बाद उसका रिप्लाई आता है, हा 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 बहुत स्मार्ट हो आप, बचपन से स्मार्ट हूँ पर कभी घमंड नहीं किया। तो उसका रिप्लाई आता है, करना भी मत। एक बात पूछूं, गुस्सा तो नहीं करोगे? तो उसने कहा, पूछो पहले, अगर मैं आपको प्रपोज करूं तो आप झाड़ू से मारोगे या बेलन से? तो उसने कहा, दोनों से मारूंगी। मैंने कहा, मार लेना, वैसे भी मुझे लड़कियों से मार खाने में बड़ा मजा आता है। तो फिर उसका रिप्लाई आता है,
बहुत फनी हो आप। ये मैसेज रात का है। उसके बाद मैंने मैसेज सीन करके उन्हें कोई रिप्लाई नहीं किया और अब मैं रिप्लाई करूंगा भी नहीं, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि उनके दिल में मेरे लिए कोई फीलिंग्स आए और मुझे उन्हें गर्लफ्रेंड नहीं बनाना है तो वो हर्ट हो जाएंगी और मैं किसी को हर्ट करना नहीं चाहता हूँ, इसलिए मैं आगे उनसे चैट नहीं करूँगा। दोस्तों हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको कौन सा पॉइंट अच्छा लगा, और इस वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन बेल को दबाना बिल्कुल ना भूलें।